गुरुदेव का आश्वासन, गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्र स्नेह। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने हमेशा प्यार प्यार और प्यार ही बांटा है। उस प्यार व अनुदान को पाकर करोड़ों गायत्री परिजन गुरुदेव माता जी के सदैव सदैव के लिए हो गए। एक बार जो व्यक्ति गुरुदेव से मिल गया, उसका जीवन ही बदल गया। गुरुदेव ने प्यार भी बहुत किया, बांटा भी खूब, अनुदान भी बहुत दिए, पर उनके मन में एक ही बात थी कि जिम्मेदारी उठाने वाले बच्चे मिल जाएं तो इस समाज के लिए बहुत कुछ हो सकता था। परम वंदनीय माता जी बहुत प्यारा गीत गाती थीं। पावस की जलधार किसे दूं। माता जी के गीत की कुछ इन्हीं पंक्तियों के भाव के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस पत्र की ओर। गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्र स्नेह। दिनांक 3 फरवरी 1967। हमारे आत्मस्वरूप, पत्र मिला, दुकान का काम कुछ ही दिनों में ठीक तरह चलने लगेगा और तुम स्वावलंबन पूर्वक सुख शांति का जीवन यापन करने लगोगे, ऐसा विश्वास है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की माता से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं एक ऐसे ही दूसरे पत्र की ओर, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य को आश्वासन देते हुए क्या लिखा। दिनांक 24 फरवरी 1967। हमारे आत्मस्वरूप, पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपकी ऋषि आत्मा उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है जो जागृत आत्मा का सदा से ही सुनिश्चित रहा है। आपके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर सौंपने वाला है, उसके उपयुक्त आत्मबल आप में उगते देखकर हमें बड़ा संतोष होता है। बच्चे का काम कुछ ही समय में ठीक तरह चलने लगेगा, ऐसा विश्वास है। सुरक्षा के बारे में आप निश्चिंत रहें, कोई आपका आपके बच्चों का कुछ बिगाड़ ना सकेगा। माता जी सबको आशीर्वाद लिखाती हैं। परिजनों, गुरुदेव माता जी का चिंतन हमेशा लोगों को देने के लिए, बांटने के लिए रहा है। अगर हम सभी उनके संकल्पों को पूरा करने वाले, उनकी जिम्मेदारी उठाने वाले, वो प्यार सद्भावना से भरे स्वर्ग रूपी वातावरण को बना पाए तो गुरुदेव माता जी के सपने साकार हो सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।